हम लोग काइनेटिक थ्योरी के बारे में बेसिक कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं कि गैस के एटम्स हमेशा काइनेटिक स्टेट में होते हैं, मूव करते रहते हैं, और इस मोशन के कारण ही उसके पास प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, और उनका ऐसा आपस में क्या रिलेशन रहता है, दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड। आज हम लोग कुछ एनर्जी रिलेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, हमने इसमें एक कांस्टेंट निकाला था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज एनर्जी विथ ईच एंड एवरी एटम। एनर्जी एक मोल के पास एनर्जी आर होती है, दैट इज गैस कांस्टेंट। और एक मोल गैस में पार्टिकल कितने होते हैं? एन, एवोगाड्रो नंबर। तो एक एटम के पास, एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी हुई? आर अपॉन एन। ठीक है, ओके। एनर्जी का हमने एक कैलकुलेशन किया था, दैट इज एनर्जी विथ ईच सिंगल एटम इज 3/2 kT। ये एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सो एक एटम के पास आर अपॉन एन टोटल एनर्जी नहीं होती। आर अपॉन एन एनर्जी की टर्म जरूर है, पर एक एटम के पास एनर्जी होती कितनी है? 3/2 kT। टी इज व्हाट? इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, आज हम एक नई टर्म एनर्जी के बारे में आगे पढ़ेंगे, और उसके लिए पहले हमको एक टर्म समझनी है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के दो मेथड हैं। दोनों से एक ही रिजल्ट आता है, पर दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग है कि फ्रीडम, मोशन करने की फ्रीडम, मूव करने की फ्रीडम हमने किसी मॉलिक्यूल को या पार्टिकल को कितनी दी है, कितनी सारी फ्रीडम्स दी हैं। 1 freedom, 2 freedom, 3 freedom, 4 freedom. What does that mean? It means this is a molecule and I allow it to move this way. इधर जितना जाना है जाओ, इधर भी जितना जाना है जाओ. I have given it 1 freedom. Then I tell it कि आपको इधर भी जाना है जाओ, इधर भी जाना है जाओ. So now you have 2 freedom. You can move in x axis. You can move in y axis. और अगर इसको अलाउ कर दिया, यू कैन ऑल्सो मूव इन जेड एक्सिस, देन हाउ मेनी फ्रीडम इट हैज? 3 freedom. दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आ गया? अच्छा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो नॉर्मली एक सिंगल एटम के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 3 degree ऑफ फ्रीडम। इट कैन मूव रेक्टिलिनियर मोशन इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस एंड इन जेड एक्सिस। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि 2 atom से बने, जैसे O2, N2, H2, इस तरह के बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वो एक तरह का और मोशन करते। ऐसे ऐसे और ऐसे तो चल सकते हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो ऐसे भी चल सकते हैं। ये कौन सा मोशन है? दिस इज ए सर्कुलर मोशन, और वी से इट इज ए रोटेशनल मोशन। ये ऐसा रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, तो ये भी उनके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके बाद हमने ये देखा कि वो एक और तरह का मोशन करते हैं। अगर वो ऐसे मूव कर रहे हैं, देखिए ये एक्सिस है और ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये एक्सिस को अगर हम सोचें तो ये ऐसे मूव भी कर सकते हैं। ये तो रोटेशनल मोशन कितनी तरह के हो गए? 2 तरह के। ओके, तो ये जो 2 तरह के रोटेशनल मोशन हो गए और 3 तरह के लीनियर मोशन हो गए, कितनी तरह की फ्रीडम है इसको मूव करने की? 5। आप सोच सकते हैं कि 6वीं क्यों नहीं? तो आंसर है 6वीं नहीं होगी। करके देखिए कैसे। ये हमारे पास ये बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है। इसके ना मैं रोटेशनल मोशन बनाने की कोशिश करता हूँ।
ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में हमने ऐसे घुमा दिया, दिखता है आपको घूमते हुए, दिखता है? ठीक। अब ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के चारों तरफ घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, ये भी दिखता है आपको? ठीक। अब ये इसकी एक्स एक्सिस है और मैं ये एक्स एक्सिस पर घुमा रहा हूं, दिखता है आपको घूमते हुए? नहीं दिखता, हाँ नहीं दिखता, ये वाली फ्रीडम नहीं है। समझ में आया? तो कितने तरह के रोटेशनल मोशन कर सकता है? दो तरह के रोटेशनल मोशन कर सकता है। और कितनी तरह के लीनियर मोशन कर सकता है? तीन तरह के कर सकता है। तो कुल कितनी फ्रीडम हो गई? फाइव। सो अगर एक बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका रोटेशन उस एक्सिस पर नहीं होता जिस एक्सिस पर उसके दोनों एटम होते हैं। ये एटम, ये एटम, ये वाली एक्सिस है, इसके चारों तरफ ये नहीं घूम सकता, ऐसे ही तो रहेगा। और अभी तो फिर भी थोड़ा सा दिखता है क्योंकि ये मोटा है। अगर एटम है तो कैसा है? पॉइंट, एकदम पॉइंट पॉइंट और पॉइंट की लाइन, उसमें आप ऐसा घुमा भी दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सो इट डज नॉट हैव दैट रोटेशनल मोशन। तो कितने तरह के रोटेशनल मोशन? दो, और लीनियर तीन, कुल कितने? फाइव। तो बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? फाइव। तो जितने नंबर ऑफ मोशन वो कर सकता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है। इसी तरह से हम एक तरह का मोशन और सोच सकते हैं। देखिए, ये डाई एटॉमिक है, ऐसे और ऐसे चलता है, एक तरह का मोशन ये और कर सकता है अगर चाहे तो। वो कौन सा मोशन होता है? तो आंसर है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है, ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, इस तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन भी कर सकता है। तो मोशन तीन तरह के होते हैं, एक लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन और एक ऑसिलेटरी मोशन। और इस मोशंस में ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने एटम हैं। इज इट वन एटम, बाय एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, एंड हाउ इज इट्स कॉन्फिगरेशन, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी तरह के मोशन कर सकता है। जितनी तरह के मोशन कर सकता होगा दैट नंबर विल बी नोन एज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी होती है इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और नेचुरली ये मोनो एटॉमिक के लिए अलग होगी, बाय एटॉमिक के लिए अलग होगी और ट्राई एटॉमिक के लिए अलग होगी। अब इसका दूसरा डेफिनेशन देखिए। दूसरा डेफिनेशन ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसकी पोजीशन, कि वो कहां पर है और कैसे ओरिएंटेशन में है। अगर हम ये स्पेसिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आंसर है कि हम एक ओरिजिन के बारे में सोचेंगे और उस ओरिजिन से उस पार्टिकल के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बता देंगे। हमको पता लग जाएगा वो पार्टिकल कहाँ है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट बताएंगे? एक्स वाई जेड, कितने? तीन। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री। कितने कोऑर्डिनेट बताने पड़े हमको? थ्री। सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री। ठीक है। तो हमने बता दिया कि देखो एक आर्गन का एटम यहां से x इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू वन पर खड़ा है। आपने देखा वहां पर खड़ा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? थ्री। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कोऑर्डिनेट नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो कितनी तरह से चल सकता है। अच्छा, दूसरा, हाँ, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां ऐसे मान सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एटम कैन चेंज इट्स कोऑर्डिनेट्स। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट कैन इट चेंज? इट कैन चेंज थ्री कोऑर्डिनेट्स। या तो ये अपना एक्स चेंज करेगा, वाई चेंज करेगा, जेड चेंज करेगा, और क्या चेंज कर लेगा? और तो कुछ नहीं है इसके पास। तो इसको फ्रीडम है कि अपने कोऑर्डिनेट चेंज करे। हाउ मेनी? थ्री। तीन ही तो कोऑर्डिनेट है इसके पास, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? थ्री। इस तरीके से समझ आता है। दूसरा, अब ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है।
डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और हाँ ये ऑक्सीजन कहीं पर खड़ी है इस तरह से, लेट मी टेक अ बिट लॉन्गर, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, ये हमारी ओरिजिन से एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पर इसका सेंटर है। अब देखिए ये चाहे तो ऐसा खड़ा हो सकता है और ये चाहे तो ऐसा खड़ा हो सकता है, ये वाला और ये वाला, ये ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो अब अगर मुझे स्पेसिफाई करना है इसे, पोजीशन बताओ, मैंने आपको पोजीशन बताई पर मैं आपको ये नहीं बता पाया कि ये ऐसे है या ऐसे है या ऐसे, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि इसका जो एक ऑक्सीजन का एटम है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इतने, दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम है एक्स वाई जेड इतने हैं। तो मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी, कितने फिगर्स, 6 फिगर्स दिए। तो इसकी, इसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे आपको कितने फिगर देने पड़े, 6। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 6। लेकिन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 नहीं हुई, कैसे हुई, मैंने आपको बताया इसका एक्स वाई जेड इतना है इसका, और इसका मैंने बताया एक्स और वाई जेड नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लेंथ है, ये लेंथ, और ये लेंथ को ये बदल नहीं सकते, इस लेंथ को ये बदल नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम हैं और उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, वो बदल नहीं सकता। तो अगर मैं आपको, ये ऐसे खड़ा है, मैंने ये आपको बताया इसका एक्स है 3, 4, इसका एक्स है 3 और ये वाला डिस्टेंस है 2, तो बताइए इसका एक्स कितना हुआ, फिर से यहां से इसका एक्स है 3 और ये डिस्टेंस है 2, तो इसका एक्स कितना हुआ, 5, राइट। अब अगर ये एक्स अपने 3 को चाहे तो 4 कर ले, जब ये ऐसे 4 करेगी तो ये क्या करेगा, 6 कर लेगा, क्या ये 7 कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस कंपलसरी कितना रहना चाहिए, 2। अब इसको हमने कर दिया 8, इसके पास फ्रीडम है कि ये अपने एक्स को 8 कर ले, 7 कर ले, 6 कर ले, इसके पास फ्रीडम नहीं है, ये इसके साथ बंधा हुआ है, इसको इससे 2 डिस्टेंस पर रहना ही रहना है, दिस कैन नॉट चेंज। तो इसकी कौन सी फ्रीडम कर्टेल हो गई, कौन सी फ्रीडम कट गई, एक्स कोऑर्डिनेट वाली फ्रीडम कट गई, ठीक है। फिर से इसका एक्स हमने कर दिया 5, ये तो बेचारे का कंपल्शन है, इसको कहां चला गया, 7, लेकिन ये ऐसा तो जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है और ऐसा भी जा सकता है, यानी इसको वाई की फ्रीडम है, जेड की फ्रीडम है, एक्स की फ्रीडम नहीं है, एक फ्रीडम कट गई। तो इसके पास कितनी फ्रीडम है, 3, एक्स वाई जेड ये कहीं भी जा सकता है, इसके पास कितनी फ्रीडम है, 2, एक फ्रीडम इसकी कट गई, क्योंकि इसको इसके साथ एक रिलेशन मेंटेन करना है और वो रिलेशन क्या है, द डिस्टेंस इज 2, ये रिलेशन इसको मेंटेन करना है, दिस वी विल कॉल इंडिपेंडेंट रिलेशन। सो दिस एटम हैज एन इंडिपेंडेंट रिलेशन विद दिस एटम एंड दैट इंडिपेंडेंट रिलेशन इज 2, राइट, ओके। नाउ हाउ मेनी टोटल डिग्रीज इट हैज, दिस हैज फ्रीडम 3 और दिस हैज स्पेसिफिकेशन, मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा था, इसके स्पेसिफिकेशन मुझे कितने बताने पड़ेंगे, 3, इसके स्पेसिफिकेशन कितने बताने पड़ेंगे, 2, बिकॉज इट हैज 1 इंडिपेंडेंट रिलेशन। तो मैं इसका एक फॉर्मूला सोचता हूं कि इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसको कितने रिलेशन मेंटेन करने हैं, 1, उस 1 को माइनस कर देंगे, तो 3 + 3 = 6 और 6 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो कितने रिलेशन हो गए, 5, ठीक। अब क्या ये 5 तरह के मोशन कर सकता है, आंसर है यस,
1, 2, 3, this is 4 and this is 5. ये वाला ये नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस तरह से कितने मोशन करेगा? 5, पहली डेफिनेशन से. दूसरी डेफिनेशन से इसका एक्स वाई जेड बताएंगे और इसका वाई और जेड बताएंगे, बस, क्योंकि इसका एक्स इसके रिलेशन में फिक्स्ड है. तो कोऑर्डिनेट में 5 कोऑर्डिनेट लगेंगे. फ्रीडम में मोशन हमने एक्सप्लेन किए, 5 तरह के मोशन होंगे. ये नंबर 5 इसके लिए क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. किसके लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम वाला मॉलिक्यूल. इसी तरह से आप सोच सकते हैं 3 एटम वाला मॉलिक्यूल. 3 एटम वाले मॉलिक्यूल में 3 एटम एक ट्रायंगल के लिए इमेजिन करिए. उस ट्रायंगल के कितने कॉर्नर्स हैं? 3. एक एटम बाकी कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 2. कितने एटम से उसको अपना इंडिपेंडेंट रिलेशन मेंटेन करना है? 2 से, ठीक है? बहुत सिंपल है. हर एक के पास बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3. पहले के पास 3, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3. हाउ मच इज द टोटल? 9. तो वो मॉलिक्यूल कितनी तरह से अपनी पोजीशन बदल सकता है? एक्स वाई जेड ऐसे 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 तीनों पार्टिकल अपना एक्स वाई जेड बदलेंगे, 9 तरह से पोजीशन चेंज कर सकते हैं. पर उनके रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने मेंटेन करने हैं? 2. तो उसको 2 को माइनस कर देंगे. अब उनके पास फ्रीडम कितनी बचेगी? 7. और अगर उनको 3 रिलेशन मेंटेन करने हैं तो 6 बचेगी. तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि जितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं, जो उसकी एटॉमिसिटी है, मल्टीप्लाई इट विद 3 एंड डिक्रीज इट, माइनस कर दो जितने उसके इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ठीक है? सो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. और इतने तरह के मोशन वो कर सकते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. ओके, तो अभी पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, दोनों तरह की डेफिनेशंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है. बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल नाउ. ओके, सो द नंबर ऑफ मोशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म बाय एटम्स ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. दीज मोशंस मे बी ट्रांसलेशनल, रोटेटरी और ऑसिलेटरी. द अदर डेफिनेशन इज द नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई लोकेशंस ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस इज इक्वल टू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो दीज आर द टू डेफिनेशंस वी हैव. प्लीज नोट इट डाउन एंड नाउ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. एंड द नेक्स्ट, वट इज अवर फॉर्मूला फॉर दैट? इंडिपेंडेंट रिलेशंस. Due to interatomic spacing, and no motion across axis.
Now, if a molecule has n atoms, how do we calculate its n atoms and r relations? Then its degree of freedom. Its degree of freedom is equal to, first multiply n with 3 and reduce it by independent relation r. This degree of freedom is 3n minus r. So this is formula for degree of freedom. Okay, now with help of this formula we will try to find out degree of freedom for different type of molecules. The molecules are monoatomic, diatomic and triatomic. The result should come what we have discussed earlier. Okay, so let us see those calculations. Degree of freedom for monoatomic. Degree of freedom for monoatomic gases is equal to 3 into 1 minus how many independent relations? 0. उसको किसी के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करना है क्योंकि वो अकेला एक एटम होता है एक मॉलिक्यूल में. सो व्हाट विल बी 3? दिस इज द डायग्राम. एक सिंगल एटम है उसको कोई रिलेशन मेंटेन नहीं करना है. एक्स वाई जेड तीनों तरफ ये मूव कर सकता है. दिस दिस एंड दिस. इस तरह से तीनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है. सो दिस हैज गॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पर मॉलिक्यूल. अब अगर हमारे पास एक गैस के कंटेंट्स हैं जिसमें 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? आंसर है 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 3. तो 3 मिलियन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स उसमें हैं, ऐसे मानना है उसको. समझ में आया? तो एक मॉलिक्यूल के पास कितनी होंगी? 3n. सॉरी, एक मॉलिक्यूल के पास 3, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विद द टोटल कंटेंट ऑफ द गैस. ओके, इसके बाद दूसरा हम लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक. Diatomic gases. This will be 3 to be multiplied by 2. N ki jagah kya lenge? 2 and minus. When there are 2 atoms, then this distance they have to be maintained. So this is the relation they have to maintain, but only one relation. So this will be 3 into 2 minus 1. ये क्या चीज है? रिलेशन. और ये क्या है? 2. दैट इज दिस एंड दिस. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैसेस इज 5. अब degree of freedom for triatomic. Triatomic में हमको दो तरह के मॉलिक्यूल मिलते हैं. पहला एक मॉलिक्यूल है CO2 का. दिस इज C, दिस इज O एंड दिस इज O. दिस इज नोन एज लीनियर कॉन्फिगरेशन. लीनियर. इस लीनियर में कितने एटम हैं? 3 एटम्स हैं. सो टोटल विल बी 3 इंटू 3. ये एन की वैल्यू हमने क्या रखी? 3.
राइट माइनस इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ये जो डैश आपको दिख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट रिलेशन है, कितने रिलेशन मेंटेन होते हैं, दो, सो 3 × 3 − 2 = 7, ठीक है, ये आ गया, ओके. अब इसके बाद हम लेते हैं फिर से ट्राई एटॉमिक, पर ये जो ट्राई एटॉमिक है ये लीनियर नहीं होता, जैसे H2O, दिस इज O एंड दिस इज H. H2O वेपर लेंगे तो इसके पास 3 एटम हैं, पर तीनों लीनियर नहीं हैं. There is a fixed distance between O and H, fixed distance O and H, and a fixed distance between H and H. ये भी नहीं बदल सकता. This angle is fixed. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके construction में. तो इसको H2O molecule को atoms के बीच में कितने relation maintain करने पड़ते हैं? 3 relation maintain करने पड़ते हैं. This distance, then distance, and this. तो इनके restriction कितने हो गए? 3. तो इसकी जब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, सो ईच एटम हैज गॉट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल कितनी हो गई? 9, और रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? दैट इज 3 रेस्ट्रिक्शंस, 3, तो ये कितने हो गए? 6, राइट. तो इसमें आर की वैल्यू कितनी हमने ली? R is equal to 3. यहां पर R की वैल्यू कितनी ली है? 2. इस तरह से आपको याद कर लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस, ट्राईएटॉमिक गैसेस लीनियर एंड ट्राईएटॉमिक गैसेस विच आर ट्रायंगुलर, और क्या नाम है, ओके, दीज आर नॉन पैरेलल और नॉन लीनियर, राइट. इसके बाद और गैसेस आएंगी, 4 आएंगे, 5 आएंगे, जैसे NH3, ठीक है, CH4, इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, एंड फॉर एवरी एटम वी विल हैव टू ड्रॉ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट रिलेशंस आर देयर, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके. तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. अच्छा, अब ये हमको समझ में आ गया कि एक मॉलिक्यूल, गैस का एक मॉलिक्यूल कितनी तरह के मोशन कर सकता है. अब थोड़ा सा इसमें ये सोचना है, कर सकता है या करता है? तो इसका आंसर याद रखिए, करता है. दैट एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट एनी गिवन टाइम इज डूइंग मल्टीपल मोशंस एट ए टाइम टुगेदर. वो उस समय वाइब्रेट भी कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, और ट्रांसलेटरी मोशन मूव भी कर रहा हो, सब तरह के मोशन वो करता रहता है, ठीक. अब ये जो सब तरह के मोशन करता है, तो हर मोशन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, हर मोशन के लिए एनर्जी लगती है. और हमने पढ़ा हुआ है, जब भी कोई पार्टिकल एम मास का लीनियर मोशन करता है तो वेलोसिटी से उसका क्या रिलेशन होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर लगा, और ये क्या है? एनर्जी. तो उसको लीनियर मोशन के लिए एक एनर्जी चाहिए विच इज रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो रोटेट करते समय भी उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर. इसी तरह से जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है तो भी उसके पास एनर्जीज होती हैं. कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ओके. ये आप ऑसिलेशन में अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस तरह से ऑसिलेशन करने वाले के पास और रोटेशन करने वाले के पास, ट्रांसलेटरी मोशन करने वाले के पास, हर एक के पास एनर्जी होती है. हर या इन अदर वर्ड्स,
for every motion an atom needs energy. Okay? Ab one atom is doing all the motions together. That means it has got energy in all the motions. It has energy for all the motions. यहां तक फैक्ट समझ में आ गया. अब हमने ये पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी में दैट एनर्जी ऑफ ए सिंगल एटम इज 3/2 kT. एनर्जी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ए सिंगल एटम इज 3/2 kT. ये हमारा लास्ट कैलकुलेशन था. ओके तो इसके लिए मैक्सवेल ने और दूसरे साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया. उनका रूल ये था कि जो भी एनर्जी एक एटम के पास होती है दैट एनर्जी इज टोटल सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज इन ऑल टाइप ऑफ मोशंस. और वो कितने मोशन कर रहा है, जितने उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है. और सबका टोटल मिला के क्या होगा, द टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इज एनर्जी विद द एटम. ओके नाउ इफ देयर आर सो मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम then the energy is distributed in each and every degree. फिर से थोड़ा सा इसको दोनों तरह से समझिए. अगर किसी के पास 5 types के motion हो रहे हैं, degree of freedom is 5 and the sum of the total energy of that molecule is 100 units. और कितनी तरह के motion हैं, 5. कौन कौन से मोशन हैं, ट्रांसलेशनल भी हैं, रोटेशनल भी हैं, ऑसिलेटरी भी हैं, 5 तरह के मोशन हैं उसके पास. तो हर मोशन में वो अपना एनर्जी कितना कितना यूज कर रहा है. आंसर है हर मोशन में वो यूज करता है 20 20 20 20 20, टोटल 100. तो नेचर का ये नियम है एंड इट इज अ वेरी जस्टिफाइड लॉ कि उसकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जितने में उसको मूव करना है, उस सब में उसकी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है जितनी एनर्जी उसके पास है. ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. हम एक एटम को जितनी एनर्जी देते हैं, क्या वो उस पूरी एनर्जी को ट्रांसलेटरी मोशन में दौड़ने में यूज कर लेगा? नो, वो देखेगा कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है. तो हर एक मोशन के लिए, हर फ्रीडम के लिए वो उसके इक्वल इक्वल पार्ट कर लेगा. और हर एक को इक्वल इक्वल पार्ट देगा तो उसका ट्रांसलेशन भी बढ़ जाएगा, रोटेशन भी बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन भी बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ेगी. फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल एनर्जी. ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं, इक्वल एंगुलर वेलोसिटी नहीं. क्या चीज इक्वल चेंज होगी, एनर्जी. ठीक है, और उस तरह से उसकी उसके हर मोशन में चेंज आ जाएगा और वो चेंज ऐसा होगा कि हर एक की एनर्जी इक्वल इक्वल होगी. दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जी कितनी होगी, इस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं. किस तरह से कर सकते हैं, शुरू में हमने पढ़ा है एक सिंगल एटम के पास एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT. और उस एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3. तो अगर 3 डिग्री वाले की एनर्जी 3/2 kT होती है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, उसका 1/3 कर देते हैं 3/2 kT का. तो 1/3 किया तो कितना आ जाएगा, 1/2 kT. दिस इज द एनर्जी विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो वी विल राइट हियर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. द एनर्जी कंटेंट्स इन ए गैस Thank you.
through its numbers of degrees of freedom. This is law of equipartition of energy. So, for a single molecule, energy associated with 1 degree of freedom is half kT. So this is the magical figure we must remember. With each degree of freedom, the energy associated is half kT, where K is Boltzmann constant and T is its absolute temperature. CV ki calculation dekhiye. Specific heat of gas, and we want to find out molar specific heat, molar for 1 mole. Hamara formula heat ka kya hai? Heat by first law is heat given to a body is change in internal energy plus work done. Humne isko kis tarah se apply kiya? There is another formula of heat which is related to temperature change, and that says Q is equal to MST. So Q को हम क्या लिख सकते हैं? MST, right? So MST is equal to delta U plus delta W. अब process पे depend करता है कि इन सब की values क्या होगी. हमने ये जो process ली है, उसमें देखिए क्या किया. इस process में हमने volume को change नहीं होने दिया. हमने temperature को heat किया 1 degree. कितना heat किया? सिर्फ 1 degree. तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? 1. एम जो हमने लिया, वो हमने लिया 1 mole ऑफ गैस. एम इज टेकन एज 1 mole. डेल्टा टी 1 degree, 1 mole गैस को लिया. उस गैस को हमने जितना उसका वॉल्यूम बनता है 6.03, उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया और उसका टेम्परेचर 1 degree राइज किया. 1 degree राइज किया, वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं होने दिया, भले प्रेशर चेंज हो जाए. तो हमने क्या कांस्टेंट रखा? कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर? कांस्टेंट वॉल्यूम. 1 degree हमने गर्म किया और उसके लिए हमको उसको एनर्जी देनी पड़ी. ठीक, ये चीजों को हमने यहाँ पे वैल्यू रखी. एम की वैल्यू हम कितना रखना चाहते हैं? 1 mole.
सो वी विल राइट हियर वन. समझ आ गया? टेम्परेचर कितना चेंज किया? 1 डिग्री. जब हम 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस स्पेसिफिक हीट को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इसलिए इस एस को हमने क्या लिख दिया? सीवी. समझ आया? एस सीवी क्यों बना? एस सीवी इसलिए बना, सीवी इज मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हमको एम कितना करना है? 1 मोल. डेल्टा टी कितना करना है? 1. देन दिस हैज बिकम सीवी. दिस इज डेल्टा क्यू. अब ये जो हीट हम देते हैं, ये हीट दो काम करती है अकॉर्डिंग टू गैस लॉस. टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और वर्क करेगी वॉल्यूम को इंक्रीज करके. तो देखिए, इसने वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया? आंसर 0. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया है, इंक्रीज नहीं होने दिया. तो डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखना है? 0. तो जितनी हमने हीट दी वो पूरी की पूरी क्या बन गई? उसकी इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, ये समझ आ गया? ओके. तो अब हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया? सी वी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 0. ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया. अब हम आते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी कितनी होती है. ये बताइए, 1 मोल गैस में एटम्स कितने होते हैं? तो आंसर है एन एटम्स होते हैं. एन स्टैंड्स फॉर व्हाट? एवोगाड्रोस नंबर. तो हमने एनर्जी किसमें चेंज की? एन एटम्स में. अभी अभी हमने स्टडी किया है सिंगल एटम में के पास कितनी एनर्जी होती है. मोनो एटॉमिक गैस के 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम होते हैं? 1. दैट एटॉमिसिटी इज 1. तो उसके हर मॉलिक्यूल के पास, हर एटम के पास कितनी एनर्जी होती है? 3/2 kT. और उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? n. तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? 3/2 kT × n. और t कितना लेना है? 1. टेम्परेचर 1 चेंज किया. चेंज इन टेम्परेचर इज 1. ओ, आई शुड राइट हियर T, because T is not change, it is absolute temperature. T, 3/2 kT × n. Okay. Now, if T is changed to T plus 1, 1 degree हमने rise कर दिया, तो energy extra हमको कितनी देनी पड़ेगी? T की value 1 रख देंगे. अब देखिए ये क्या चीज बन गई? CV. और इधर क्या आ गया? 3/2 K. K क्या होता है? K का फॉर्मूला याद करिए. K इज इक्वल टू R upon N. अगर हम इसको R upon N रखें तो वो N से कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? R. T कितना ले लिया? 1. समझ आया? तो CV किसके बराबर होता है? 3/2 R. गैस कांस्टेंट R एंड CV इज मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. राइट. इस तरह से ये हमने डेरिवेशन दोनों नॉलेज को मिलाकर किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला. इससे हमको ये पता लगता है R इज ए कांस्टेंट, CV इज मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट. अब इसमें ये मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट किसकी है? मोनोएटॉमिक गैस की. कौन सी मोनोएटॉमिक गैस? मोनोएटॉमिक गैसेस बहुत सी होती हैं, ऑर्गन, ज़ेनॉन, ये वो सब. तो हमारा आंसर है कि कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इसमें और कोई नंबर आता ही नहीं है. मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमको सिर्फ एक कॉन्स्टेंट मिला है R. इसलिए वो गैस फर्स्ट ग्रुप की हो, सेकंड ग्रुप की हो, थर्ड ग्रुप की हो, दैट डज नॉट मैटर. समझ आया? सो ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस हैव सिमिलर सीवी, सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट. ये हो गया. अब क्या हम इससे सीपी भी निकाल सकते हैं? व्हाट इज सीपी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर.
अब हम प्रेशर को नहीं बदलने देंगे, और अगर उसको वॉल्यूम को, अगर प्रेशर नहीं बदलने देंगे तो वॉल्यूम को बढ़ने देना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तो उसको हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर तो हम 1 डिग्री ही बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो वर्क करके अपना वॉल्यूम बढ़ा सके और प्रेशर को मेंटेन कर सके, कांस्टेंट प्रेशर रख सके। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम देते हैं इसके कारण, उसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीपी। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो सीवी में ऐड करेंगे तो वो सीपी बनेगा। ये चीज हम कर चुके हैं किसमें, मेयर्स फॉर्मूला। पिछली क्लास में हमने मेयर्स फॉर्मूला बनाया था और उससे निकाला था कि सीपी और सीवी में कितना डिफरेंस होता है। वी नो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये आपने किया है पहले। तो सीपी कितना हुआ, सीवी प्लस आर। सो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस CP is equal to how much? CV 3 upon 2R plus this R 5 upon 2R। ये आ गई CP की वैल्यू। तो CP की वैल्यू नोट कर लीजिए, CP for monoatomic gases is 5 by 2R। ओके, अब मोनोएटॉमिक से बढ़ के अगर हम डाईएटॉमिक लें तो हमको कहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे। डाईएटॉमिक एटॉमिसिटी कहां पर आती है, ये यहां पर 3/2 K, ये हमने किसके लिए लिया है, एनर्जी। और ये कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक, तो ये है मोनो। अब अगर मैं इसकी जगह डाई लिख दूं, डाई एटॉमिक, तो मुझे 3/2 KT को क्या लिखना चाहिए। डाई एटॉमिक आपने कैलकुलेट किया है कितना, 5/2 KT। ट्राई एटॉमिक लूंगा तो 7/2 KT या 6/2 KT, इस तरह से आएगा। समझ आया, तो इस तरह से यहां पर चेंज होता चला जाएगा और उससे किसकी वैल्यू चेंज होगी, सीवी। तो अब बताइए सीवी फॉर डाई एटॉमिक कितनी होनी चाहिए। सीवी फॉर डाई एटॉमिक कितना लेना है, 5/2 KT। क्यों, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5। सो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, 5 degree of freedom into 1/2 KT। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई उसके पास, 5/2 KT। 5/2 KT दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ n, तो ये कितना हुआ, 5/2 RT, और t को 1 करेंगे तो 5/2 R। ये किसकी हो गई, डायटॉमिक। समझ में आया, इस तरह से स्पेसिफिक हीट कौन सी, सीवी। और अगर हम इसकी सीपी लेंगे, सीपी फॉर डायटॉमिक इज 5/2 R + R, this is 7/2 R। okay, जब हम इस तरह से CP और CV निकाल रहे हैं तो हम गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, गामा इज इक्वल टू CP/CV फॉर मोनोएटॉमिक कितना हो जाएगा। मोनोएटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितनी है,
5 upon 2r divided by, इसके लिए CV की वैल्यू 3 upon 2r. So this is equal to 5 upon 3. This is equal to 1.7. ये गामा की वैल्यू आ गई फॉर मोनोएटॉमिक. अब गामा की वैल्यू फॉर डायएटॉमिक निकाल कर बताइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑल अवर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विच आर डायएटॉमिक गैसेस. सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर. देखिए CP अपॉन CV किया 7 upon 5, दैट इज 1.4. सो 1.4 गामा की वैल्यू किसके लिए? डायएटॉमिक गैसेस विच आर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल दिस. लेकिन CO2 के लिए नहीं है बिकॉज दैट इज ट्राईएटॉमिक. ओके, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी से हमने काइनेटिक थ्योरी से हमने CV की वैल्यू निकाली, CP की वैल्यू निकाली, गामा की वैल्यू निकाली, प्रेशर की वैल्यू निकाली. और ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? वेलोसिटी पे. दैट इज काइनेटिक थ्योरी एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी. तो अभी जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उसको एक टेबुलेट कर लेते हैं. मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, इन गैसेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और टेबुलेट करने से आपको बड़े अच्छे से ये याद रहेगा. So first we'll make a chart and here we will have atomicity और उसके दूसरे फीचर उस साथ में. हाँ, देखिए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैसेस. मोनो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3. एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होगी? 3 × 1/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT. ये समझ आ गया? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की 1/2 kT. एनर्जी पर मोल, पर मॉलिक्यूल टू पर मोल के लिए हमको n से मल्टीप्लाई करना है, और जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या बन जाता है? R, गैस कांस्टेंट. सो दिस विल बी 3/2 RT, एनर्जी पर मोल. CV की वैल्यू कितनी होती है? CV की वैल्यू 3/2 R. CP इज 5/2 R एंड गामा विच इज CP/CV, दिस इज इन दिस केस 5/3 विच इज इक्वल टू 1.7. उसके बाद हम लेते हैं डायएटॉमिक. डायएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस, डायएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. एनर्जी पर मोल कितनी हो जाएगी? 5/2 kT. एक चीज याद रखिए, मोनोएटॉमिक गैसेस से डायएटॉमिक गैसेस को कंपेयर करेंगे तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होती है? नो, ये आप देख रहे हैं पर मॉलिक्यूल के पास 5/2 kT और पर मोल के पास कितनी हो जाएगी? 5/2 RT. एक मोल मोनोएटॉमिक गैस और एक मोल डायएटॉमिक गैस, किसके पास एनर्जी ज्यादा है? 1 mole डायएटॉमिक गैस के पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है. लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, ठीक है. पर एटम कांस्टेंट नहीं है, पर मोल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है. पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट नहीं है. क्या कांस्टेंट है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, सो CV कितना हुआ इसका?
5 upon 2 R, Cp 7 upon 2 R, and gamma Cp upon Cv is 7 upon 5. This is 1.4. Then we have triatomic. ट्राईएटॉमिक में दो रिलेशन लेते हैं, तो पहले लेते हैं लीनियर। लीनियर में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? तो लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, दिस इज 3 × 3 − 2, 3 × 3 − 2, दिस इज 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7। So, 7/2 kT, हर एक को हमने हाफ के टी से मल्टीप्लाई करना है। सो 7/2 kT एनर्जी पर मोल, 7/2 RT, एंड Cv इज इक्वल टू 7/2 R, Cp इज इक्वल टू, एक R ऐड कर दीजिए, 9/2 R, और गामा की वैल्यू 9/7। This is equal to 1.3. Next is triatomic, and this will be nonlinear. Nonlinear mein 3 × 3 or independent relation 3. So 3n − r, 3 × 3 = −3 is equal to 6. Okay, so this will be 6/2. So this will be 3 RT, and Cv will be 3 R, and Cp will be 4 R, and gamma will be equal to 4/3. 4/3 is 1.33. So this gives us a complete picture of different type of gases, monoatomic, diatomic, triatomic, और इस तरह से इन सब के characteristic change होते हैं, पर इनमें constant क्या चीज है? शुरू में आपको बताया था कांस्टेंट क्या है, एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम, एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम, दैट इज कांस्टेंट, राइट? इसलिए ये सब चीजें बदलते जा रही हैं। ओके, सो विद दिस इससे ना हमने कैलकुलेशन करके स्पेसिफिक हीट प्रेडिक्ट की कि अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन स्पेसिफिक हीट इतनी होनी चाहिए, और फिर कैलोरीमीट्री करके हमने स्पेसिफिक हीट निकाली, तो हमने ये देखा कि उनकी वैल्यू करीब करीब सेम आती है। इफ द वैल्यू इज सेम, दैट मीन्स अवर दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट, एंड इफ दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट, व्हाट डज इट प्रूव? दैट काइनेटिक थ्योरी कैलकुलेशंस आर करेक्ट। इतनी बड़ी चीज है। देखिए, ये पूरा सीवी सीपी फॉर्मूला हम किसको लेकर चले हैं? काइनेटिक थ्योरी को, क्योंकि हाफ के टी एनर्जी हमने किस बेसिस पर निकाली? 3/2 kT, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे, और उस एनर्जी को लेके हमने ये सारी कैलकुलेशन की, गामा की वैल्यू भी निकली, सीवी भी निकला, सीपी भी निकला। अब सीवी को निकालने का हमारे पास बड़ा अच्छा मेथड है कैलोरीमेट्री से लैब में, तो हमने उससे भी निकाला, तो देखा हमने जो कैलकुलेशन की है और जो लैब में हम निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आई। अगर वैल्यू सेम है, मींस हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है। इसका मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ के टी, ये वाला फंडा भी ठीक है, और वो हमने कहां से लिया? काइनेटिक थ्योरी से, कि मोनोएटॉमिक की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और उसके पास 3/2 kT एनर्जी होती है। फिर हमने ये भी फंडा माना कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, क्योंकि हर एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर में होती है, ठीक है?
भले वो रोटेशनल हो, भले ट्रांसलेशनल हो, भले ऑसिलेटरी हो। इसलिए इसको क्या माना गया, मैक्सवेल ने जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उनका ये कहना था कि हर तरह के मोशन में एनर्जी का कंजम्पशन बराबर होता है और हर मोशन के कारण उसके पास हाफ के टी एनर्जी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब गैसेस बनती हैं तो उन गैसेस के पास एनर्जी, मोनो एटॉमिक के पास, डायटॉमिक के पास और ट्राई एटॉमिक के पास अलग अलग एनर्जी होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। समझ आया? तो ये एक टोटल पिक्चर आपको देता है, एंड दिस यू शुड बी वेरी क्लियर। इसको बड़े अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पर अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल्स आए, देन यू मस्ट नो कि कौन सी फिगर का, किस फिगर का क्या मीनिंग है, राइट? और एक दूसरे से काफी मिक्सअप होते हैं। जो मोनो एटॉमिक का सीपी है वही डायटॉमिक का सीवी है, देख रहा है? ऐसे तो इस तरह से बहुत सारे फिगर्स है, इसीलिए इसको टेबुलेट किया है, सो दैट यू रिमेंबर इट इन द टेबल वाइज। तो ये टेबल याद कर लीजिए एंड यू हैव ऑल द फिगर्स विद यू। ओके, सो विद दिस एक छोटी सी चीज और नोट कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 3R। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सॉलिड्स में कौन सा मोशन होता है? तो आंसर है सॉलिड्स में ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, क्योंकि वो सॉलिड है और उसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं होती, वो सिर्फ क्या करते हैं, ऑसिलेट में एक बार इधर एक बार इधर, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मानते हैं 2 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। तो अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऑसिलेशन की एवरेज एनर्जी कितनी होगी? 2 × 1/2 kT, दैट इज 1 kT। ओके, अब अगर इसके पास 1 kT है, फिर से इसको ध्यान से समझिए, ऑसिलेशन, ये पार्टिकल ऐसे जाता है, इसके पास एनर्जी 1/2 kT, ऐसे भी जाता है 1/2 kT, और ऐसे जा रहा है तो 1/2 kT + 1/2 kT कितना हुआ? 1 kT। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितनी एनर्जी हुई? 1 kT। फिर ये ऐसा भी जा सकता है 1 kT मोर, ऐसा भी जा सकता है 1 kT मोर। तो इसके पास, सॉलिड के पास हम कितनी एनर्जी मानेंगे? 3 kT। ये समझ आया? इस तरह से सॉलिड्स के पास एनर्जी होती है 3 kT। अब सॉलिड्स का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, उसमें वो ज्यादा मोशन नहीं कर सकते हैं, तो 1 kT हर ऑसिलेशन में, टोटल 3 kT इसके पास एनर्जी होती है। तो हर सॉलिड के पास ये एनर्जी, जो मोनो एटॉमिक सॉलिड्स हैं और नॉर्मली जो मेटल्स हैं मोनो एटॉमिक हैं, वो सब के पास ये एनर्जी 3 kT होगी। अब वाटर की एनर्जी डिस्कस करते हैं। वाटर के पास कितने एटम होते हैं? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, H, H, O, इस तरह से 3 एटम होते हैं। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। अगर ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, तो इसको भी हम ट्रीट करते हैं जैसे सॉलिड्स को ट्रीट किया जाता है। इसका ये मतलब है कि हर एटम के पास में इसके 3 एनर्जी होगी, 3 kT एक एटम के पास होगी, तो इसके पास 3 एटम है तो 3 × 3 9 kT इसके पास एनर्जी होती है। तो वाटर के
मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी 9 kT। ओके, अब इन सब चीजों को मैं एक बार लिख देता हूं, नोट कर लेता हूं, और आप भी इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोगों को करना है मीन फ्री पाथ बिटवीन टू कोलिजन्स। ओके, तो इसे देखते हैं, मीन फ्री पाथ बिटवीन टू कोलिजन्स। नोट करिए, मीन फ्री पाथ इज लेंथ ऑफ द पाथ व्हेन between two consecutive collisions, length of the path between two consecutive collisions. During this motion, the molecules do not collide with other molecules. It depends upon diameter of the molecule, velocity of the molecule. छोटा diameter है तो देखिए आएगा और ऐसा side से निकल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा बड़ा molecule है तो एक दूसरे के टकराने के chance ज्यादा रहेंगे। बड़े molecule है, ये molecule आया एक दूसरे से टकरा गया। Okay, so it depends upon diameter. अच्छा, दूसरा ये वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा फास्ट वेलोसिटी होगी
उतना जल्दी जाकर वो दूसरे मॉलिक्यूल को हिट कर देगा। इस तरह से फ्री पाथ जो उसको मिलता है वो फ्री पाथ डिपेंड करता है कि उसका डायमीटर कितना है और दूसरा किसी लोकेशन पर कितने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, डेंसिटी कितनी ज्यादा है। यहां पर ऐसा टकराया तो अगर ज्यादा मॉलिक्यूल भरे हुए हैं एक ही वॉल्यूम में तो चांस क्या है कि वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा और जल्दी जल्दी टकराएगा, तो उसको बीच में जो फ्री जगह मिलेगी बिना टकराए हुए चलने की वो जगह छोटी हो जाएगी। तो ये जो उसको रास्ता मिलता है जहां वो एक दूसरे से नहीं टकराता, फ्री होकर चला जाता है, दैट लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ किस किस पर डिपेंड हुआ? दो क्वांटिटीज पे, कि उसका डायमीटर कितना है और उसकी डेंसिटी कितनी। इस पर ये डिपेंड करता है कि उसका मीन फ्री पाथ कितना होगा। अब हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि ये किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। देखिए, लेंथ ऑफ द फ्री पाथ एल इज inversely proportionate to a constant that is root 2 n pi d square. Root 2 pi is the constant, n is density. Density means एक cubic meter में कितने molecules हैं, ये उसकी density है। जितने ज्यादा molecule होंगे उतना जल्दी टकराएगा, length कम हो जाएगी। इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, d d इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर d बड़ा है तो भी जल्दी टकराएगा, लेंथ छोटी होगी। अगर n ज्यादा है तो भी जल्दी टकराएगा, तो भी फ्री पाथ की लेंथ छोटी होगी। तो ये क्वांटिटी है मीन फ्री पाथ। ओके, इसे नोट कर लीजिए। ये मीन फ्री पाथ आगे जाके हमको जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशंस में, दोनों के दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का पाथ। तो इस तरह से एन डी, डी पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, दैट इज स्क्वेयर। तो अगर डायमीटर डबल हो गया तो फ्री पाथ जो है वो 4 times छोटा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री पाथ। थैंक यू। देयर इज अनदर क्वांटिटी वी आर सपोज टू डिस्कस एंड दैट इज टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन्स। एट द बिगनिंग ऑफ द फ्री पाथ, एट द एंड ऑफ द फ्री पाथ देयर आर कोलिजन्स, सो हाउ मच टाइम इट टेक्स वी कॉल इट टाउ। And this tau is given by this relation. This time period is again inversely proportionate to number density of molecules, diameter of molecules and c velocity of the molecule. जितनी velocity ज्यादा होगी उतनी जल्दी वो जाकर सामने hit करेगा और time period कम हो जाएगा। So here you see tau is related to velocity, yes, tau, between two collisions. So if we multiply v and t, what do we get? L. So we get the same formula for length and for tau. So there is no difference, you can derive one from the other. So this is all about mean free path and the time period between two collisions.